लोकसभा चुनाव के माहौल में हिमाचल की हमीरपुर सीट एक रोचक मुकाबले के आसार इस सीट पर नजर आ रहे हैं। हालांकि बीजेपी का गढ़ माने जाने वाली इस सीट को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पांचवी बार जीतने की फिराक में है, वहीं कांग्रेस बीजेपी को घेरने की भी पूरी कोशिश कर रही है। कांग्रेस की तरफ से सवाल किया जा रहा है कि रेल लिंक न मिलने का जिम्मेदार आखिर कौन है, ये रिपोर्ट देखिए। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर लोकसभा सीट पर 1998 से बीजेपी ने दो उपचुनावों सहित लगातार 8 बार जीत दर्ज की है। इस सीट से केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर मौजूदा सांसद हैं। वे 2008 से हमीरपुर से लगातार 4 बार जीत चुके हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के बेटे अनुराग ठाकुर को हमीरपुर लोकसभा सीट पर लगातार 5वीं बार जीत का पूरा भरोसा है। हालांकि कांग्रेस हमीरपुर को रेल लिंक न मिलने का जिम्मेदार बीजेपी को ठहराती है। वहीं अनुराग ठाकुर का कहना है कि कई दूसरी ट्रेनें अब हिमाचल प्रदेश को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ती है। कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि जिसने 40 साल लगा दिए ऊना तक ट्रेन नहीं पहुंची थी, वो हमने पहुंचाई। ऊना से दौलतपुर चौक तक ट्रेन हमने पहुंचाई, अब हरिद्वार के लिए ट्रेन भी चला दी, वृंदावन मथुरा के लिए ट्रेन चला दी, महाकाल लोक उज्जैन इंदौर के लिए ट्रेन चलाती, आगरा ग्वालियर के लिए ट्रेन है, राजस्थान के लिए काटू श्याम के लिए और राजस्थान के लिए ट्रेन चलाती, जयपुर के लिए, कलकत्ता के लिए ट्रेन चलाती, नांदेड़ साहब के लिए ट्रेन चलाती, चंडीगढ़ के लिए ट्रेन चलाती, यहाँ तक कि दिल्ली के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस जो देश की सबसे आधुनिक सबसे तेज रफ्तार की ट्रेन हमने वो चलाती। कांग्रेस जो सपनों में नहीं सोच सकती थी हमने उससे ज्यादा किया है। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं को भरोसा है कि उनकी पार्टी हिमाचल प्रदेश की चारों लोकसभा सीट जीतेगी। वह राज्यसभा चुनाव के दौरान हुई क्रॉस वोटिंग का जिक्र करते हुए कांग्रेस के भीतर चल रही अंदरूनी लड़ाई का हवाला भी देते हैं। इस क्रॉस वोटिंग की वजह से बीजेपी के हर्ष महाजन के खिलाफ कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी की हार हुई थी। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर और अपने पार्लियामेंट स्तर पर तैयार है, हमारी पूरी लोकसभा चुनाव की तैयारियां हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के ना कोई अभी प्रत्याशी है ना कोई दूल्हा है। प्रदेश की अध्यक्षा चुनाव लड़ने से, वर्तमान में सांसद मंडी से चुनाव लड़ने से इनकार कर रही है। हमीरपुर के लोगों के लिए इलाके में बेरोजगारी बड़ी चिंता है। उनका मानना है कि राज्य और केंद्र सरकार को रोजगार के मौके बनाने की ओर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। एज ए वुमन मैं यही कहना चाहूंगी कि आगामी जो चुनाव है उसे मैं यही एक्सपेक्ट करती हूँ कि जो रोजगार का कंसेप्ट है वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब आने वाले टाइम में हमारे लिए जो रोजगार निकल रहा है, जो भी मतलब कुछ मतलब हमारे सीटें निकल रही हैं, तो वो कभी मतलब 4-5 सालों के बाद जाके निकल रही हैं, तो उसमें भी हम ये चाहते हैं कि मतलब उसमें क्या हो रहा है कि जब तक हम टेस्ट देना है तब तक हमारी एज ओवर हो जा रही है। यहाँ पे रोजगार की कमी है, यहाँ पे उद्योग लगने चाहिए यहाँ पे, और जैसे बाहर हम लोगों को युवाओं को रोजगार के लिए बद्दी जाना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो केंद्रीय मंत्री या प्रदेश सरकार या केंद्र की सरकार है उनसे मेरे यह आग्रह है कि अब बार जो जब से इलेक्शन होने वाले हैं उसके बाद जब भी सरकार आएगी तो यहाँ पे उद्योगों की कमी नहीं होनी चाहिए, उद्योग लगने चाहिए जहाँ जिससे ये होगा कि यहाँ का युवा रोजगार करने के लिए बाहर नहीं जा सके, यहाँ पे युवाओं को रोजगार मिल सके। माना जा रहा है कि कांग्रेस भी बेरोजगारी के मुद्दे को खास तौर पर उठाएगी। पार्टी अपनी कैंपेन शुरू कर रही है, हालांकि उसने अब तक हमीरपुर लोकसभा सीट से अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। सबसे पहले तो युवाओं को सबसे पहले तो रोजगार चाहिए, साथ में महंगाई कम होनी चाहिए। आप देखिए 10 साल का भारतीय जनता पार्टी का जो ये कार्यकाल रहा निराशाजनक रहा, क्योंकि इन्होंने सिर्फ युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को मात्र छलने का काम किया। रोजगार देना दूर की बात, इनके कार्यकाल में तो युवाओं का रोजगार छिना है। कुछ वोटरों को ये भी लगता है कि हमीरपुर को एजुकेशन हब के तौर पर पहचान मिल सकती है, लेकिन इसे लेकर कोशिशें की ही नहीं गई। देखो जो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र है वो पूरे हिमाचल का एक सेंट्रल प्लेस है और इसमें पूरी स्टेट से लोग जो है वो आते हैं और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र जो है वो एक एजुकेशन हब के नाम से जाना जाता है। तो इसके लिए जो हमारे सांसद हैं
अनुराग ठाकुर जी या सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो उनको ये चाहिए कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में वो जो सुविधाओं की कमी है उन सुविधाओं के लिए बड़े से बड़े प्रोजेक्टों को हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में लाने की कोशिश करें और एक हमीरपुर संसदीय क्षेत्र जो है उसको आदर्श संसदीय क्षेत्र जो है वो बनाया जाए। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव अंतिम चरण में 1 जून को होंगे, वोटों की गिनती 4 जून को होगी।